की न्यूज असल ऐसा जो नजर आए। सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। मोहतरम व्यूअर्स, टीके न्यूज़ औरंगाबाद में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हम औरंगाबाद के इस इलाके में खड़े हैं और हम ये जानना चाहेंगे लोगों से कि ये अब की बार कौन आमदार, यानी ये अपना MLA किसको चुनना चाहेंगे। कुछ यहाँ आवाम खड़े हुए हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। अभी हम चल रहे हैं आवाम के सामने और उनसे हम जानेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप किसको MLA बनना पसंद करेंगे यहाँ पर? बोलिए, MLA किसको बनाना पसंद करेंगे? अभी हम 18 के अंदर है, हम वोट नहीं दे सकते ना। अच्छा, आप किसको MLA बनाना पसंद करेंगे? अभी MIM ही चढ़ रही है, अभी हा? अभी तो इम्तियाज जलील साहब ही चढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, आप किसको बनाना पसंद करेंगे? MIM। हम आवाम से जानना चाहेंगे क्योंकि उमूमन भावी आमदारों की एक बहुत लंबी लिस्ट लगी हुई है और हर कोई ये चाह रहा है कि मैं आमदार बन जाऊँ, लेकिन हम आवाम की राय जानना चाहेंगे कि वो किसको और कौन सी पार्टी को का MLA यहाँ पर चाहेंगे औरंगाबाद शहर के अंदर। अभी देखो जो है तो अभी हमारा हमने खासदार जो है इम्तियाज जलील साहब है, इंशाल्लाह हम ये चाहेंगे कि इसके बाद भी हमारा MIM का ही आमदार बने। आमदार ऐसे हो जो काम करे, नो कास्टिनिज्म, नो जातिवाद, ओनली वर्क, जो डेवलपमेंट करेंगे वही उसकी वोट करेंगे और जो डेवलपमेंट नहीं करेंगे उसको वोट नहीं करेंगे। अगर BJP का कोई ऐसा है कि जो पूरा दावा करता है मैं पूरा डेवलपमेंट करूँगा, उसको वोट देंगे आप? वो हमको समझता ना कौन कर सकता कौन नहीं कर सकता, वो टाइम पे डिसाइड करेंगे हम लोग। आप किसको चाहेंगे? आप है, आप कुछ बोलना चाहेंगे किसको आप MLA बनाना पसंद करेंगे, कौन सी पार्टी या कौन से कैंडिडेट? कदर मुल्ला, कदर मौलाना, राष्ट्रवादी पार्टी। सर आप जी कौन से पार्टी को MLA बनाना? हम तो MIM का ही बना देंगे भाई। अक्सरियत उन लोगों की है जो ये कह रहे हैं कि मैम MIM पार्टी का MLA बनाना पसंद करेंगे। अच्छा, तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन्होंने कभी कुछ काम किए भी नहीं या जो आए भी नहीं ऐसे इस पर, तब ऐसे MLA जो खड़े हुए अगर उन्होंने वोट खा लिए तो किसके हक में जाएगी MLA? बता नहीं सकते अब ना, तो वो नहीं दे सकते ना। MLA बनाना किस पार्टी से चाहेंगे आप? तो आप किसको वोट देंगे, किसका आमदार बनाना चाहेंगे आप? कांग्रेस। क्या वजह कांग्रेस को बनाना चाहे? नहीं, कांग्रेस ही गरीबों के लिए अच्छा ही है। अच्छा, आपके लिए मतलब एक हद आप कोई मिसाल बता सकते हैं जिसकी वजह से बोले आप कांग्रेस गरीबों के लिए अच्छी जैसे? क्योंकि अभी फिलहाल में राशन कार्ड बंद हो चुके हैं। अच्छा, और क्या क्या परेशानी? परेशानी बहुत सी है अभी, मार्केट का धंधा नहीं है अभी, मार्केट में हर किसी दुकानदार अभी बैठा हुआ है और कांग्रेस के पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं था। जी बोलिए, अब की बार कौन आमदार, क्या बोलना चाहेंगे इस बार? अब की बार जावेद कुरैशी साहब को टिकट मिलना चाहिए सेंटर से। अच्छा, आप क्या बोलेंगे? जावेद कुरैशी साहब को सेंटर से टिकट मिलना चाहिए। अभी हमने कुछ लोगों से ये पूछे तो कुछ लोग कांग्रेस की कोई राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या वजह हो सकती है? बस ग्रीन फ्लैग के नीचे काम करना और MIM की पार्टी काम कर रही ना साहब, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ग्रीन पार्टी का नाम लेंगे अपन तो हो सकता है वो एक तरफा चले जाए क्या? तो आपका क्या है सर, चांस मिल रहा है हमारी पार्टी काम कर रही है? अपना सेंट्रल जो एरिया है तो ये माइनॉरिटी ज़्यादा है यहाँ पर, माइनॉरिटी ज़्यादा होने की वजह से तो ग्रीन फ्लैग ही इंशाल्लाह। मतलब MIM का सीट यहाँ से बासानी निकल सकता है सर? MIM के जो टिकट है ना साहब, चाहे वंचित अमित भेगड़ को मिलो क्या जावेद कुरैशी को मिलो, और हमको काम MIM का करना है इंशाल्लाह, और MIM की जीतेंगे सीट। हाँ, एक अमित भेगड़ भी दावेदार है कि भी सेंटर में वंचित को छुट्टा है तो वो भी अच्छा कैंडिडेट है अमित भेगड़, यानी कि माइनॉरिटी के मसले को हजार उसका मसला बन दो। अभी तक तो डिक्लेयर नहीं हुआ कि कौन है, और उसमें खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि भावी आमदारों की बहुत लंबी लिस्ट है बराबर, अब उसके अंदर क्या ऐसा ना हो कि 1000-2000 वोट ये खाली और जो सीट आने के चांसेस थे जिसके वो अगर निकल जाए हाथ से तो। हाँ, ये तो धोखा है क्योंकि पिछले टाइम भी इम्तियाज जलील साहब तो सिर्फ 4,500
वोट से आए। अपक्ष के लोगों ने कम से कम 20,000 वोट खा लिए, जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, माइनॉरिटी कैंडिडेट थे, 20,000 वोट खा लिए उन्होंने, चार पाँच जने थे, 20 वोट उन्होंने ज़ाया कर दिए। ठीक है, इम्तियाज अली थोड़े थोड़े पे बच गए लोकसभा के टाइम पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार टिकट जो फाइनल हो गया सेंटर से, तो पूरी कौम और जितनी माइनॉरिटी के है वोटर्स हैं, सब ने एक जगह आके बिस्मिल्लाह करना चाहिए। के इलाके में अब की बार कौन आमदार, किसको आप आमदार बनाना पसंद करेंगे? आपको किसके हक में जाएंगे? हमारा हक बोलते तो देखो, जैसा देखा जाए तो वैसा इम्तियाज जलील साहब के इस पे तो रहते ही जाए MIM केस के ऊपर, पर अब इम्तियाज जलील साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह। वो तो खासदार है ना, अभी आमदार तो है नहीं, तो अभी इम्तियाज जलील साहब तो खड़े रहने वाले ना अभी। हाँ नहीं, उनका कोई टेंडर अगर और खड़े रहे तो फिर उनको वोट देंगे ना। अच्छा, उनको वोट देंगे जी हाँ। यहाँ पर अक्सरियत लोगों का ये कहना है कि हम MIM पार्टी को वोट देंगे, और MIM के कैंडिडेट चाहते अक्सर लोग, एक दो लोग हैं जो ये चाहते कि भाई राष्ट्रवादी का, एक साहब ने कहा राष्ट्रवादी का, एक ने कहा कांग्रेस का, लेकिन अक्सरियत जिनके पास हम गए उनमें अक्सर लोगों ने कहा कि वो MIM का आमदार चाहते हैं। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? अब की बार कौन आमदार? अरे अब की बार हमारे अनवर भाई। बोलिए जरा, अच्छा 5 मिनट थूक कर उसके बाद बोलिए, इत्मीनान से क्या बोलेंगे आप? बोलिए भैया भाई नहीं, सेंट्रल से हमारे अनवर भाई इंशाल्लाह अच्छे आमदार है अल्हम्दुलिल्लाह, एजुकेशन वाले हैं, एजुकेशन के इरादे बहुत हैं उनके, पढ़े मेडिकल उसमें उसमें कंस्ट्रक्शन उसमें अच्छा काम चलता उनका, अच्छे बड़े आदमी हैं। अरे मेट्रो भी लो हमारी, अनवर खान साहब एलोरा स्टील वाले सेंट्रल से इंशाल्लाह। आप बोलेंगे अब की बार कौन आमदार? बोलो पांडापुर वाले, आप दे सक, आप बोलेंगे? ठीक चलिए बोलेंगे भाई, कुछ बोलेंगे? वीडियो बंद करो। हाँ वीडियो बंद ही है। ठीक, क्या किस बारे में अब की बार कौन और किसके हक में जाएंगे? नहीं उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं अब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं टीके नौ से अब्दुल रहीम खान। आज हम पूछेंगे कि अब की बार कौन आमदार। पब्लिक में सवाल है कि भाई हमारे एरिया में, हमारे इलाके में हमें कैसा आमदार चाहिए जो हमारे इलाके का विकास कर सके। तो आइए हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? शेख जुनेद। आप यहीं पर रहते हैं जी। तो आपको कैसा आमदार चाहिए? आमदार ऐसा होना चाहिए जो विकास करे, जैसा शहर में गड्ढे जो रोड है और जो प्रॉब्लम आ रहा है, या ड्रेनेज का या पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो इधर ड्रेनेज वगैरह का प्रॉब्लम है आपको? ड्रेनेज का कोई कोई ऐसा रहता है कि जो है तो चौकअप होता बाहर कॉरपोरेशन में जाने के बाद, वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो साहब अधिकारी जो रहते तो वो जो है, और रोड के जो गड्ढे हैं ये तो पिछले 5 साल से चले आ रहे हैं, जितने गड्ढे उतने आ रहे हैं। तो कोई आमदार यहाँ पे आया था क्या देखने के लिए, या नगर सेवक है या कोई? आमदार साहब आते, नगर सेवक भी आते, आश्वासन देते, थोड़ा बहुत होता है काम, गड्ढे भरे जाते, लेकिन वो फिर भी तो अभी अभी आप क्या चाहते जो भावी आमदार है उनसे क्या चाहते आप? भावी आमदार जो भी हो हम सबको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो है तो मसले मसाइल जो है, जो नागरिक को समस्या हो रही, जैसा पानी जो है तो दूषित आ रहा, पानी में बास आ रही, ड्रेनेज का पानी मिक्स आ रहा। तो जब ये वोट मांगने को आपके लिए आपके पास आएंगे तो आप ये सवाल उनसे करेंगे क्या? हाँ, तो पहला ये सवाल ये रखना कि हमारी जो समस्या है, क्योंकि हम जो दूसरे जैसा कंपनी के कुछ जॉब का इसका उसका तो नहीं, लेकिन जो हमको घरेलू समस्या जो रेगुलर की है, तो वो समस्या तो हमारे यही है कि मसला जो है तो पानी का है। पानी पीने से घर में छोटे बच्चे बुजुर्ग जो है तो बीमारी से परेशान हो रहे, जो ख़राब पानी आने से किसी को पेट का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो हर जगह जो है, हर एरिया में यही प्रॉब्लम है कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, गंदा पानी आ रहा है, और रोड्स नहीं है, बच्चों के लिए जब बाहर जाते हैं तो फिर वहाँ पर डेंगू मलेरिया हो जाता है, इतनी गंदगी है। तो भावी आमदारों ने सोचना चाहिए कि भाई ये इलाकों का विकास कैसा हो। आइए आगे चलते हैं, तो जानते हैं कि आमदार हमारा कैसा हो। आपका क्या नाम? मेरा नाम यूसुफ खान। इनका नाम यूसुफ खान है, यहीं पर रहते हैं? हाँ यहीं औरंगाबाद बूढ़ी लैंड। तो आपको आपका आमदार जो है कैसे चाहिए आप? जैसा आपने इम्तियाज जलील साहब आए हुए हैं, वो तो खासदार हैं। हाँ खासदार है, आप देखो कौन खड़ा रहता अल्लाह जाने। तो आपको ऐसा आमदार होना कि आपके एरिया का उसने विकास करना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो ड्रेनेज है या पानी है, पानी के मसले हैं, या फिर ये सब चीज़ें आपको होना, और कोई जैसा झगड़ा कर लेते बच्चे को, पुलिस स्टेशन गया, आगे बढ़ने वाला आदमी होना, ऐसा आदमी हो, ऐसा आदमी आपको चाहिए। बराबर,
अफसर खान बोलिए, आप भी कुछ बोलिए। अरे बोलो ना, अरे बोलिए बोलिए, ऐसा नहीं है, बोलेंगे तो अपनी नहीं। चलिए ठीक है, आगे चल। आपका क्या नाम? अमजद खान। कहाँ पे? यहीं पर रहते हम। ये अपनी से बड़ी हूँ, ये पूरी पांडापुरी इनकी थे। पांडापुरी आपको, आपका इलाके का आमदार जो है इधर का, कैसा चाहिए आप? आमदार कोई भी आए, मगर रोड का काम हो अभी, और तो जो पब्लिक की जो समस्या है वो हल हो। यहाँ पे आपके ड्रेनेज लाइन, पानी की समस्या ये बराबर है क्या? पानी की लाइन की थोड़ी समस्या है और ड्रेनेज लाइन की भी थोड़ी है, बाकी अच्छा काम हो अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रेनेज का और पानी का अच्छा आ रहा, अभी तो बारिश में पानी अच्छा आ रहा, बीच में वो तकलीफ जा रही थी। आपके इलाके में गंदगी क्या मसला है? गंदगी है या नहीं हो? गंदगी अभी 97% तो नहीं रही अब, जैसा अभी जो रिक्शा ले आ रहे सुबह शाम गाड़ियों में लेके डाल रहे खुद हाथों से, वो अच्छा जॉब कर रहे अभी गाड़ी वाले। तो यहाँ पे लगभग जो है यहाँ का विकास तो 75% इनका कहना है कि हो चुका है। आइए आगे भी चलते हैं हम लोग। आपका नाम? मेरा नाम शेख हसन। आप यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। यहाँ पे आपको कैसा आमदार चाहिए आपके, आपके इलाके में क्या चाहिए कि जो वो पूरा कर सके? जो बेरोज़गारी है और लाइट का मसला है, पानी का मसला है, ये चीज़ें जो कर सकता है। अभी तक हमने जहाँ से भी इलाके में आए, जितने भी इलाके से जाके आए, पानी का मसला सबसे बड़ा है। पानी के मसले में ऐसा हो रहा है कि वो जितने भी नल आ रहे हैं तो उसके अंदर ड्रेनेज का पानी मिक्स आ रहा है उसके अंदर, तो वो भी हल करना ज़रूरी है। जी बहुत ज़रूरी है, जो आपने सवाल किया बहुत सही है। हम लोग अभी बहुत जगह घूम के आए, बिल्कुल पानी का बहुत बड़ा मसला है यहाँ। जी हाँ जी, आधा एक घंटा तो पानी जाया जाता, सब गंदा पानी, पूरा आधा एक घंटा पानी जाया जाता है इनके पास, और हर इलाके में होता है। फिर भी अभी जो है, अभी का जो भी मामला है, जो कि एक पार्टी MIM है, जो अभी आके थोड़ा सा उसने काम किया है, मतलब जी हाँ किया है, मतलब अच्छा काम हो रहा है MIM के वजह से, अच्छा काम हो रहा है। कम से कम आप मतलब माइनॉरिटी इलाके में जो है कि काम का समझ में आ रहा है कि भाई काम हो रहा है, बोले पहले कुछ भी नहीं था, पहले बहुत दिक्कत ही आती थी, अभी फिलहाल वक्त ये पार्टी आने से थोड़ा बहुत अच्छा। जी हाँ विकास हुआ है, सुधार हुआ है। जी बहुत अच्छी। तो ऐसा है, हर जगह पे अलग अलग मसले हैं, अलग अलग मसाइल हैं। तो ये जो भावी सब आमदार हैं, इन्होंने ये अगर जाते इन इलाकों में तो जनता उनसे सवाल करने वाली है कि भाई हमारे इलाके का ये है, हमारे इलाके का ये मसला है, तो पब्लिक उनसे जब सवाल करेंगी तो उन्होंने उनका जवाब देना चाहिए।